नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, व्हाट इज टू बी एक्सपोर्टेड इन आयरलैंड फ्रॉम इंडिया, यानी हिंदुस्तान से हम आयरलैंड को क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आयरलैंड की क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमी क्या, पर कैपिटा इनकम क्या है, वहाँ जो डिफरेंट सर्विसेज हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, इंडियंस हमारे भाई बहन वहाँ पर कितने रहते हैं, उसकी करेंसी क्या है, आयरलैंड की लोकेशन क्या है, टोटल आयरलैंड कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, वो कौन कौन सी टॉप कंपिटिटर कंट्रीज हैं जो कि आयरलैंड को एक्सपोर्ट करती है, जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होगा, और वो कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट हैं जो कि आयरलैंड नॉर्मली मैक्सिमम वो इंपोर्ट करता है, तो वो हिंदुस्तान से भी उनको टारगेट कर सकते हैं आयरलैंड को एक्सपोर्ट करने के लिए। मेन सीपोर्ट कौन कौन से, मेन एयरपोर्ट कौन कौन से, तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप मार्केट का रिसर्च करते हैं तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री, अबाउट द मार्केट। तो इकोनॉमी की अगर बात करें, आयरलैंड की इकोनॉमी है 476 बिलियन US डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, 476 बिलियन यूएस डॉलर यहां पर इकोनॉमी है आयरलैंड की। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 49 लाख टोटल पॉपुलेशन है आयरलैंड का, तो पर कैपिटा इनकम भी अच्छा निकल के आता है। अगर इंडियंस की बात करें तो वहां पर 92,000 इंडियंस रह रहे हैं, यानी लीगली वहां पर 92,000 इंडियंस से हमारे भाई बहन जो कोई पढ़ने गए हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर वहां परमानेंट वहां पर रह रहे हैं और वहीं पर उनका जन्म हुआ है, तो टोटल अराउंड 92,000 एज पर द लेटेस्ट डाटा 92,000 हमारे इंडियन भाई बहन रह रहे हैं, तो वो उनको इंडियन प्रोडक्ट की तो जरूरत होगी होगी, और जैसे वो वहां पर रहते हैं तो इंडियन कल्चर भी वहां पर थोड़ा सा चारों तरफ में उसको सराउंडिंग एरिया में जरूर उनको इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो इंडियन प्रोडक्ट्स की वहां पर डिमांड बढ़ती जाती है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम यहां पर बहुत जबरदस्त बनाया गया है, पर कैपिटा इनकम यहां पर 94,556 US डॉलर का आता है, यानी हर एक आयरलैंड जो आयरलैंड में रहता है हर एक वो सिटीजन पर ईयर ऑन एन एवरेज 94,556 US डॉलर कमाता है, उसका एवरेज इनकम 94,000 US डॉलर से ज्यादा है। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंड्स, वहां पर जो पर कैपिटा इनकम अच्छा जिस कंपनी का, जिस कंट्री का रहता है, तो वहां पर बाइंग पोटेंशियल अच्छा रहता है, यानी वो छोटी मोटी चीज खरीदने के लिए ज्यादा उनको सोचना नहीं पड़ता है, कोई भी चीज खरीदना है तो बहुत ज्यादा वो प्राइसिंग कैलकुलेशन नहीं करते, क्योंकि उनके पास में पैसा है, अगर पैसा है तो आप सामान खरीद सकते हैं इजीली, आप कन्विंस हो जाते हैं तो वो आपके पोटेंशियल बायर जरूर बन सकते हैं। अगर मैं जीडीपी बाय डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो जीडीपी बाय एग्रीकल्चर वहां पर 1.2% का कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टोटल जीडीपी ऑफ आयरलैंड, तो 1.2% का आप मतलब लगा सकते हैं कि वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम हो रहे हैं, और जो कि हम हिंदुस्तान से उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री 38.6% का कंट्रीब्यूट करती है आयरलैंड की इकोनॉमी में, आयरलैंड की जीडीपी में। अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री बेस वहां अच्छा बनाया हुआ है, तो जैसे आईटी सेक्टर्स के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप किए गए हैं, तो आप भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो आयरलैंड आपके लिए एक अच्छा मार्केट हो सकता है। तो सर्विस इंडस्ट्री 60.2% का कंट्रीब्यूट करती है आयरलैंड की इकोनॉमी में। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज वहां पर इरिश लैंग्वेज बोली जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज भी बोली जाती है, तो मोस्टली क्योंकि वो वहां पर इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज्यादा होता है और वो पे सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप की है आयरलैंड के लोगों ने, तो इंग्लिश बोलने वाले लोग वहां पर बहुत आपको मिल जाएंगे, मतलब अराउंड 99% पीपल आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यानी जो इरिश बोलता है वो इंग्लिश भी वहां बोलता है, ओनली 1-1.7% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, ओनली इरिश आती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो आप वहां पर टारगेट कर सकते हैं। अगर कैपिटल की बात करें तो डबलन उनकी कैपिटल आती है, अगर करेंसी की बात करें तो वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, जैसे मैं कई बार बताता हूं अपने वीडियो में कि 27 कंट्रीज जो कि यूरोपियन यूनियन की मेंबर है, तो वहां भी यूरो ही चलता है, तो 1 यूरो का अगर हम प्राइस देखें कि 1 यूरो अगर मुझे खरीदना तो मुझे कितना INR कितने इंडियन रुपीस देने होंगे, तो यस्टरडे के जो प्राइस हमने देखा है 88 रुपीस 50 पैसा वहां पर हमें देना होगा अगर 1 यूरो हमें खरीदना है। अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन ये आपको मिलेगा जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम
किंगडम के बिल्कुल पास की कंट्री है, यूके, नीदरलैंड, बेल्जियम, इसके आसपास की ही ये कंट्री यूरोपियन यूनियन का ये मेंबर है। अगर टोटल इंपोर्ट की बात करें कि आयरलैंड कितना इंपोर्ट कर रहा है, तो आयरलैंड इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 106.93 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, यानी 106.93 बिलियन यूएस डॉलर का टोटल इंपोर्ट कर रहा है आयरलैंड। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट वो 167.0 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है। तो आप भी ऐसे ही बनिए कि एक्सपोर्ट ज्यादा करें और हम इंपोर्ट कम करें। अगर टॉप कंपटीटर कंट्रीज की बात करें जो कि मैक्सिमम टारगेट कर रही है आयरलैंड की, आयरलैंड को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, तो सबसे पहले पायदान पे आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी वो उसके पास की कंट्री, तो इसलिए वो ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो यूके कितना एक्सपोर्ट कर रहा है आयरलैंड को, तो यूके एक्सपोर्ट कर रहा है 22.2 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 22% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 22% तो वो अकेला यूनाइटेड किंगडम से ही खरीद लेता है। अगर यूएसए की बात करें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमेशा राजा की तरह इंपोर्ट करता है और राजा की तरह ही एक्सपोर्ट भी करता है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यहां पर 14.1 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है आयरलैंड को, दैट इज अराउंड 14.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रांस उसको एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 10.7 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 11% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी 7.67 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है आयरलैंड को, दैट इज अराउंड 7.87% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। अगर चाइना की बात करें, क्योंकि चाइना सस्ता देता है तो इसलिए लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन अभी ये एक अच्छी बात है कि चाइना को लोग बायकॉट करना चाह रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस इश्यूज, तो ये अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के पास में, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोडक्शन कीजिए, प्रोडक्ट का जो हम नीचे बताने वाले हैं आपको, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसका प्रोडक्शन कीजिए और आप टारगेट कीजिए आयरलैंड को। तो चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है आयरलैंड को, अराउंड 6.96 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर, दैट इज अराउंड 7.14% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड 4.82 मिलियन यूएस डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, 4.82 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है आयरलैंड को, दैट इज अराउंड 4.94% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। अगर टॉप प्रोडक्ट की बात करें, वो कौन-कौन से टॉप प्रोडक्ट है जो कि हम टारगेट कर सकते हैं आयरलैंड को, तो सबसे पहले पायदान पे आता है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट, वो ज्यादा इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 14.64 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 14.7% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। अगर कंप्यूटर एंड हार्डवेयर रिलेटेड हार्डवेयर प्रोडक्ट की बात करें तो वो इंपोर्ट करता है अराउंड 3.74 बिलियन यूएस डॉलर का। अगर पैकेज्ड मेडिकेंट्स की बात करें तो वो इंपोर्ट करता है आयरलैंड 3.35 बिलियन यूएस डॉलर का। अगर मैं रिफाइंड एंड पेट्रोलियम एंड एडिबल ऑयल की बात करें तो वो इंपोर्ट करता है 3.35 बिलियन यूएस डॉलर का। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जो पेट्रोलियम में मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है गुजरात से एक्सपोर्ट होता है, जैसे वहां पर रिलायंस रिफाइनरी है, एसआर रिफाइनरी है, तो बड़ी बड़ी रिफाइनरी वहां पे बनाया हुआ, क्योंकि वो पोर्ट के बिल्कुल नजदीक है, जामनगर में उनकी रिफाइनरी है, तो वहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि समुद्र से वो क्रूड ऑयल लेके आते हैं इराक, ईरान और सऊदी अरेबिया से, और वहीं से वो प्रोसेस करके वापस फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिकल की बात करें, ऑर्गेनिक केमिकल भी गुजरात से ही एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिकल कितना इंपोर्ट कर रहा है आयरलैंड, तो ऑर्गेनिक केमिकल आयरलैंड इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 9.6 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 9.84% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। अगर मैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट की बात करूं, जैसे स्विचेस होते हैं, केबल होते हैं, जनरेटर के कुछ पार्ट्स हो गए, कॉइल्स होगी, स्टड्स हो गए, तो वो सब टोटल, और जो बड़ी बड़ी मशीनरी होगी, मोटर होंगे, छोटे मोटर एलटी मोटर हो गए, एचटी हाई टेंशन मोटर हो गए, तो वो सब टोटल इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स वो कितना इंपोर्ट करता है अराउंड 6.48 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 6.86% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। अगर मैं व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स की बात करूं तो वो इंपोर्ट करता है टोटल 3.66 बिलियन यूएस डॉलर का, दैट इज अराउंड 3.76% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। जैसे कुछ जापानीज कंट्रीज है, जापानीज कंपनी जो कि हिंदुस्तान में रहकर प्रोडक्शन कर रही है ये व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स का, तो वो भी एक्सपोर्ट कर रही है और आप उनसे परचेज करके आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
अगर मैं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट भी गुजरात से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। प्लास्टिक दाना भी एक्सपोर्ट होता है, प्लास्टिक पॉलिएस्टर भी एक्सपोर्ट होता है, प्लास्टिक फॉर फाइबर्स वो सब भी एक्सपोर्ट होता है। उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया, अगर वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अराउंड कितना इम्पोर्ट करता है आयरलैंड, अराउंड $3.06 बिलियन का, दैट इज अराउंड 3.14% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट ऑफ आयरलैंड। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो $9.23 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 9.47% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ आयरलैंड। वो भी गुजरात से मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, गुजरात में हो गया, हिमाचल प्रदेश में होता हो गया, हमारे पास में हिंदुस्तान में, मैं कई बार अपने वीडियो में बार बार बताता हूं कि हमारे पास में हिंदुस्तान में जो मेडिसिन प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आता है क्योंकि हमारे पास में लेबर कॉस्ट कम है, हमारे पास जो मैन पावर है वो सस्ती मैन पावर है, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सस्ती मैन पावर है, और हमारे पास में मोर देन 5000 यूनिट्स है जो कि FDA अप्रूव्ड है, जिसमें क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। तो इसलिए लोग बाग क्या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कराते हैं हिंदुस्तान में। प्रोडक्शन हब धीरे धीरे अभी और ग्रो कर रहे हैं, आप भी प्रोडक्शन की तरफ भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर बॉयलर रिएक्टर्स मशीनरीज की, मैकेनिकल मशीनरीज की, जैसे हो गया APH हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, वाटर वाल हो गया, या फिर रिलेटेड और भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हो गए, तो वो इंपोर्ट करता है $9.23 बिलियन का, दैट इज अराउंड 9.4% ऑफ द टोटल आइलैंड इंपोर्ट। अगर मैं बात करूं सी पोर्ट्स की, तो वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा सी पोर्ट है, लेकिन मेन सी पोर्ट की बात करें तो डबलन सी पोर्ट ही वहां पर आता है जो कि मैक्सिमम वहां पर जो कंटेनर्स है वो हैंडल करता है। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट वैसे मोर देन 21 एयरपोर्ट है आइलैंड में, लेकिन मेन एयरपोर्ट की बात करें तो डबलन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही वहां पर ज्यादा जो कि उनकी कैपिटल सिटी में है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, जो जॉब कर रहा है और बिजनेस करना चाहता है और डायरेक्टली इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है, उन सबको आप इसको शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।